हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए भाई, आज की जो हमारी ये वीडियो है, इसमें हमने ये चीज़ें बेसिकली कवर की हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने आगे, देखिए मैं वीडियो पूरी पढ़ा चुका हूँ, अब उसके बाद मैं आपको जस्ट समराइज कर रहा हूँ पहले ही, ठीक है, ताकि आप ये समझ लें कि इस वीडियो में एक्चुअल में क्या है, ठीक है। उससे पहले मेरी एक बात जरूर सुनिए, इस वीडियो में आप प्लेन एंगल का कंसेप्ट पूरी फिजिक्स में कहीं भी लग रहा है उसको समझना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से लगातार एक सीटिंग प्लान में कंप्लीट देखें। ये आपके लिए एडवाइस, ठीक है। इसके बाद भाई, ये सारी बातें आपको एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सारांश, भावार्थ के रूप में मिलेंगी। पूरी वीडियोज में हमने ये सीखा है, देख लीजिए क्या है। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। ये प्लेन एंगल एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी सप्लीमेंट्री रेडियन होती है एसआई सिस्टम के हिसाब से। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं, एक वेवलेंथ 1 लैम्डा की इक्विवेलेंट होती है। अगर वेव की बात करें तो एक वेव की, एक वेव बन गई यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ कहलाती है लैम्डा। या दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, ये ऐसे लें तो लैम्डा होती है, ठीक है, ओके। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है, डिग्री को रेडियन में बदला है। तीन सिस्टम भी पढ़े हैं हमने, ठीक है। आपको बस वीडियो अच्छे से देखनी है। आप कभी भी रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन बदलने में मार नहीं खाएंगे, आसानी से बिल्कुल सिंपल भाषा में डील कर लेंगे। और जो आपको फिजिक्स के ऊपर अच्छे से पकड़ मजबूती बनाने में, आपके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सोल्व करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए भाई, और फिर 180 डिग्री में पाई रेडियन, पाई एक्स की ग्रोथ 3.14 रेडियन के या 22.7 रेडियन के, ठीक है। एक डिग्री में पाई बटा 180 डिग्री, 180 रेडियन होते हैं। देखो, जब भी आपको सीधी सी बात है कोई कह देना कि क्या डिग्री को रेडियन में बदलो, तो पाई बटा 180 कर देना गुणा में। कोई कह दे आप रेडियन को डिग्री में बदलो, तो उसके गुणा में 180 डिग्री बटा पाई कर देना, आंसर आ जाएगा। एक रेडियन में 57.27 डिग्री होते हैं, एक डिग्री में 1.745 न्यूटन की पावर माइनस 2 रेडियन होते हैं। 30 डिग्री में पाई बाय 6 रेडियन, 60 डिग्री में पाई बाय 3 रेडियन होते हैं। पाई बाय 2 में 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री में पाई बाय 2 रेडियन होते हैं। और एक प्रकार से जो आपका प्लेन एंगल क्या होता है, एक अगर स्ट्रेट लाइन को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, थोड़ा सा चक्कर कटा दूं, तो सीधी सी बात है भाई, वही क्या बनता है, आपका प्लेन एंगल बनता है, जिसमें ये आर्क होती है, ये रेडियस होती है और ये थीटा होता है। हम डिस्टेंस मापने के लिए पैरेलेक्टिक मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप रेडियस को एक सीधी डायरेक्ट डिस्टेंस की इक्विवेलेंट मान लेंगे, ठीक है। पैरेलेक्स मेथड, पैरेलेक्टिक एंगल और पैरेलेक्स एंगल या पैरेलेक्टिक एंगल, दो एंगल, ये वाला तो थीटा होता है। देखिए, हम फित्ते की सहायता से जो इतनी दूरी है खगोलीय पिंडों की, यहाँ से सूरज की दूरी नहीं माप सकते, मून की दूरी नहीं माप सकते, पर हम एक पैरेलेक्टिक मेथड का इस्तेमाल करके, जिसे पैरेलेक्स कहते हैं, वो इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है। देखिए कि पैरेलेक्स क्या होता है, बेसिस बताया है क्या होता है बेसिस, ठीक है, जो एनसीईआरटी में टर्म दे रखी है। तो इसी तरीके से भाई, एक रिलेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, एक राउंड में 2 पाई रेडियन होते हैं, चक्कर काटने में रोटेशन, तीनों इक्विवेलेंट टर्म है, ठीक है। 2 पाई रेडियन में क्वेश्चन पूछा गया था कंफ्यूज करने के लिए, 4 पाई स्क्वायर रेडियन होता है, ये जानना कैसे है वीडियो में है आगे, ठीक है, ओके। चेंज इन पाथ, यानी कि पाथ डिफरेंस बाई में लैम्डा, फेज डिफरेंस बाई में 2 पाई, टाइम डिफरेंस बाई में टाइम पीरियड, इक्विवेलेंटली आप डील कर सकते हैं। पाई बराबर 180 डिग्री के, 2 पाई बराबर 360 डिग्री के, लैम्डा 2 पाई के 360 डिग्री, कहीं पे भी रखना हो ना, कहीं पे पाई दिख जाए वहां 180 डिग्री रख देना, 180 डिग्री डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और कहीं पे डिग्री दिख जाए, 180 डिग्री दिख जाए, वहां पाई रख देना, रेडियन बदल जाएगा वो। और इसका इस्तेमाल भाई, जो आपका प्लेन एंगल है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमारे ये जो पैरेलेक्स मेथड है, इसमें जो हम वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं, क्योंकि मैं आपको वीडियो पढ़ा चुका हूं, अब केवल जस्ट आपको वीडियो देखनी है। तो चलिए भाई, अच्छे से एक सिटिंग प्लान में इस वीडियो को देखना, अच्छे से देखना, अपनी कॉपी में इस वीडियो को बनाना, उसके बाद आपको फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स में कहीं पर भी आपको रेडियन डिग्री का कंफ्यूजन नहीं होगा। कंप्लीट एप्लीकेशन पूरी फिजिक्स की मैंने आपको करवा दी है इस वीडियो में, तो अच्छे से आप वीडियो देखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जान दीजिए भाई, बेसिक मैथमेटिक्स वो चीज है जो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने में काफी हेल्प करेगा,
समझ रहे हो? बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए, हमने हमारे एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड चैनल पे फिजिक्स की बेसिक्स को लेकर दो वीडियोस डाल रखी हैं, ठीक है, जिसमें मेनली ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ग्राफ के कुछ और वीडियोस भी बनाएंगे, ग्राफ से बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे आपके, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के ग्राफ, बायो के भी ग्राफ की वीडियो में इंक्लूड हो जाएंगे भाई, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वीडियो है, हम इसको हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की फिजिक्स में पहली वीडियो कहेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर प्लेन एंगल क्या होता है, थीटा, कोण, हिंदी में क्या कहते हैं भाई, कोण क्या होता है, सुनिएगा। देखिए, आपको बताया हम कोई भी रेफरेंस पॉइंट मानेंगे किसी भी चीज को बताने के लिए, ओरिजिन मानते हैं जनरली, ठीक है। यहां से मैंने एक लाइन खींच दी है, आप समझ सकते हैं इसको, लोग एक्स एक्सिस खींच सकती, खींच दिए भाई, ठीक है, ओके। अब इस लाइन को, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, मैं बोला ये लाइन, ये ओ और ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया ए, तो एक स्ट्रेट लाइन, वही भाई बेसिक की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन, मैं बोला आपको कि आप इस स्ट्रेट लाइन को घुमा दो, चक्कर कटाओ बेचारी को, पकड़ो इसको यहां से, मान लो ये मार्कर छोटा सा, ये स्ट्रेट लाइन में हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है मार्कर एक प्रकार से, ठीक है। इस बेचारे मार्कर को क्या करो, घुमा दो, घुमा दिया, तो एक टाइम पे मार्कर यहां आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं स्ट्रेट लाइन यहां आ गई। तो जैसे ही आपने इस स्ट्रेट लाइन को, आप कह सकते हैं ओ ए डायरेक्शन से कहां घुमा दिया, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया बी, ओ बी डायरेक्शन, चक्कर कटा रहे हो बेचारे को सर्कल में, समझ रहे हो। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में या थोड़ा सा घुमा दें, तब हम इस चीज को आसानी से स्टडी करने के लिए एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी लेके आते हैं, जिसको हमने क्या बोला भाई, प्लेन एंगल। जो क्या होता है, देखिए, दो लाइंस एक दूसरे पे कितनी झुकी हुई हैं, यानी ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को घुमा दें तो कितनी दूर है, इसको आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी, जो कि आपकी एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सात बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बिल्कुल दो है आपकी क्या भाई, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, जो एक है, जिनमें से एक है प्लेन एंगल, जो ये होता है कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को चक्कर कटा रहे हो तो ये आप कितना चक्कर कटा रहे हो ये पता करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी फिजिक्स में है उसको हम कहते हैं भाई प्लेन एंगल, जिसको हम थीटा से लिखते हैं, ठीक है। और इस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी यूनिट होती है रेडियन, एसआई सिस्टम में, जिसको आप आर ए डी से लिखेंगे, क्लियर है। अब ये जो आपका थीटा, या आप इसको हिंदी में कहेंगे कोण, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बड़ा इस्तेमाल होता है, बड़ी हेल्प करता है। इस प्लेन एंगल की इस वीडियो में हम, देखिए, हम प्लेन एंगल पढ़ेंगे, साथ में एप्लीकेशन भी करेंगे, ये एप्लीकेशन क्या होती है देखते जाओ, देखिए इसकी एप्लीकेशन कहां पे आएगी, बता सकते हो तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि एप्लीकेशन कहां है। एक हिंट मैं दूं, पैरालेक्स, पैरालेक्स से है भाई कोई ना कोई हिंट। तो चलिए भाई, तो जो आपका कोण है क्या है, दो स्ट्रेट लाइन कितनी झुकी हुई है एक दूसरे पे, ठीक है। और क्या हो सकता है, बोला अगर आप देखिए एक पाथ, एक रास्ता, मान लीजिए आप किसी पार्क की स्ट्रेट लाइन पे, सीधा रास्ता हो गया, ठीक। अब एक जगह एक कोने को कर दो फिक्स, और ये पूरा पाथ, यहां पे इस पूरे पाथ को ही आप, ये हो गया ए पॉइंट, क्या करो घुमा दो भाई, चक्कर कटा दो पूरे पाथ को, पूरा पाथ जा रहा है लगातार आपका, पूरा और घुमा और घुमा और घुमा, इस तरीके से घुमाओ कि वापस आप वहीं आ जाएं जहां से गए थे। जैसे कि आप एक पार्क का चक्कर काट रहे हो, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, पांच चक्कर, छह चक्कर, बस, ठीक है। तो जब आप चक्कर काटते हो और वापस वहीं पे आ जाते, मान लो किसी पॉइंट पे आप यहां अपने दोस्त के साथ रुक गए,
तो भैया स्टार्टिंग जहां से जिस स्ट्रेट लाइन से की आपने उसके रिस्पेक्ट में इस पाथ में देखो पूरा पूरा यही पाथ बन गया। इसके लोग आपका हाथ ऐसे घूम रहे हैं तो सारे पोर्ट पार्टिकल्स हर एक पार्टिकल कवर अप हो रहा है देख लीजिए भाई, यानी पूरी पूरी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे बेटा, ध्यान देना बस इस बात पे, ठीक है। तो ये पूरी लाइन एक प्रकार से किससे बनी हुई है, पॉइंट से, स्ट्रेट लाइन पॉइंट से बनती है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे आप समझिए एंगल गौर फरमाइए, कितनी दूर चले जाइए, एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन भी बेसिक का भी बेसिक क्लियर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है आर्क बढ़ती जा रही है, इसे कहते हैं बच्चे आर्क, ये क्या कहलाती है आपकी आर्क, ठीक है। और सर्कल, अगर मैं इस पॉइंट को इस पेरिफेरी के इस पॉइंट से मिला दूं और इस पाथ को गौर से देखूं तो हम इसको सर्कल बुलाते हैं। अब तो एक बार पीके बना हुआ है, धरती का तुझे कुछ भी पता नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स का तो कुछ भी नहीं जानता है, तो बिल्कुल शुरुआत से सुन ले, ठीक है। तो ये इसकी पेरिफेरी जिसे हम शेप के हिसाब से कहते हैं सर्कल, जिसकी इक्वेशन तू बेसिक वीडियो से देख सकता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर, ठीक है। जहां पे इसकी ये क्या होती है भी रेडियस आर, ठीक है। अब सर्कल के छोटे से पार्ट को कहीं भी मान लीजिए इतना सा पार्ट ले ले, हम बुलाते हैं बच्चे आर्क, ओरिजिन से मिला दो, सेंटर से मिला दो सर्कल के, तो ये वाला जो पार्ट बनता है इसे हम आर्क बुलाते हैं, चाप, ठीक है। और ये वाली क्या बच्चे रेडियस, ठीक है। अब मैं कह दूं दो रेडियस के बीच, अगर आप दो रेडियस को घुमा दें, इस रेडियस को आपने इस रेडियस तक, देखिए रेडियस दोनों सेम ही है, आप इस पोजीशन से इसको यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ए, ठीक है यही वाला यहां पे पहुंच जाता है ए डैश से पोजीशन में पहुंच जाता है बी डैश पोजीशन पे, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट सुनिएगा, ए से चला मतलब बी तक पहुंचा, ठीक है। तो अगर मैं इस घुमावदार तरीके से बात करूं तो इसने कितना एंगल कवर किया, कितना कोण कवर किया, कितना चक्कर काटा, इसको एक फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल से बताते हैं, ठीक है ओके। तो कितना काटा भाई, ये एंगल थीटा काटा, ठीक है। ऐसे कुछ समय बाद ये बी पे आ गया, तो बी पे बी से ये आगे चला यहां पर, मैंने बोला ए डैश तक, तो कितना एंगल काटा, बोला ये बोलो थीटा वन बोल दो, बोला फिर इस ए डैश से यहां तक कितना घूमा, बोला थीटा टू बोल दो। ऐसे ही बच्चे लगातार किसी भी पोजीशन से किसी भी पोजीशन तक घूमा, कितना कितना चक्कर काटा, हम एक एंगल से बता सकते हैं, ठीक है। और एंगल को भाई हमारे पास मापने के अलग अलग सिस्टम है, देखिए चलो उससे पहले समझिए। तो जब आप एक पूरे सर्कल में घूम जाए, बोला सर्कल आप देखिए ये पेरिफेरी पूरी पूरी सर्कल कितना बड़ा सर्कल हो सकता है भाई, ठीक है। इसे छोटा सर्कल कितने भी सर्कल आप एक सर्कल के अंदर बना सकते हैं, समझ रहे हो, हर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के हर पार्टिकल से एक सर्कल बन सकता है, ओके ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में आप कितना मूव करेंगे या आपने कितना मूव किया है, या आप एंगल कोण से बता सकते हैं, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट प्लेन एंगल होती है, जिसकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल होती है, जिसकी यूनिट होती है भाई क्या एसआई सिस्टम के हिसाब से रेडियन, ठीक है। अब आइए इस रेडियन का क्या करते हैं भाई मेजरमेंट, कि आप जब यहां से यहां चले ओरिजिन के रिस्पेक्ट को लेते हुए, तो आपने यहां तक जब ये आर्क ए से बी तक ये आर्क कवर की, तो ओरिजिन पे कितना एंगल बनाया, ठीक है, कितना प्लेन एंगल बनाया, अब आपको इसका मान बताना है। तो सीधी सी बात है भाई, हम थीटा को किस में मापते हैं, रेडियन में, किस में मापते हैं बच्चे रेडियन में, जिसको इसको हम सिंबोलिकली आर ई डी लिखते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, ठीक। तो थीटा यूनिट क्या हो गई, प्लेन एंगल को थीटा से लिखते हैं, वो थीटा यूनिट होगी क्या रेडियन। अब आगे सुन, ये जो रेडियन है ना बच्चे, ये सर्कुलर सिस्टम, देखिए सर्कुलर सिस्टम में जब आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, रिवोल्यूशन करवा रहे हैं, जैसे पंखा रिवोल्व करता है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, यानी चक्कर काट रही हो कोई चीज, तो वहां पे इस सर्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलर मोशन में इस एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन तक बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लेन एंगल, और सर्कुलर सिस्टम में इस प्लेन एंगल को थीटा से लिखते हैं रेडियन, जिसकी यूनिट है,
जो कि एसआई सिस्टम द्वारा प्रमाणित है। समझ में आया? जी सर। तो ये भाई कुछ प्लेन एंगल की बात, ठीक है। अब गौर से सुन, ठीक है। क्या सर? बोले प्लेन एंगल को मापने के लिए हमारे पास तीन सिस्टम है। पहला सिस्टम सुन ले, पहला है सर सेक्साजेसिमल सिस्टम, दूसरा है सेंटीसिमल सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, जो तुझे पता नहीं था पर तू इस्तेमाल करता है। सुनते जाइए, न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पे काफी अच्छे अभी तो। बस ये बेसिक आपके अंदर दिमाग में घुसाने के लिए ऐसे बताना पड़ता है। समझ गए आप? जी सर। हाँ भाई, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या है बोले देखिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे सर, दो क्वांटिटी ऐसी होते थे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, बिल्कुल। तो क्या किया भाई, सेक्साजेसिमल सिस्टम बोला, बोला अगर एक राइट एंगल है, क्या भाई एक राइट एंगल, मतलब किसको बोला राइट एंगल, दो चीजें आपस में एक दूसरे के ऐसे बिल्कुल एल से बना रही है, लव, समझ रहे हो, बहुत धरती पे सबसे यूनिक चीज है। हाँ ठीक है, तो भाई इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसे क्या बोला, राइट एंगल, ठीक है। राइट भी है और एंगल भी है, समझ रहे हो? जी सर, समझ रहे हो क्या? हाँ, तो राइट एंगल को भाई सेक्साजेसिमल सिस्टम में 90 डिग्री के इक्विवेलेंट माना, 90 डिग्री आप ऐसे लिख सकते हैं, 90 कुछ नहीं ये हटा देते हैं थोड़ा सा, क्या भाई 90 डी ई जी आर डब्ल्यू डिग्री, ये आपका डिग्री का सिंबल है, ठीक है। एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम ने बात बोली, जैसे आपके एसआई सिस्टम ने बोली रखी है, क्या बोलोगे जल्दी से बता, लेंथ को किस में मापते हैं, टाइम को किस में मापते हैं, मास को किस में मापते हैं, कमेंट कर देना, पता तो है पर कमेंट जरूर करियो, ध्यान रखियो। हाँ, अब डिग्री आ गया, ठीक। फिर इसी सिस्टम में अगर मैं कह दूं तुम्हारे पास एक डिग्री है, यानी यू हैव वन डिग्री, तो ध्यान रखना बच्चे उसमें 60 होते हैं, क्या मिनट, 60 क्या होते हैं, मिनट्स, 60 मिनट्स, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और मिनट को दिखाने का सिंबल भी उन्होंने बता रखा है भाई, 60 के ऊपर एक बार छोटा सा इक्का निकाल दो, छोटी सी अपोस्ट्रोफ भी कह सकते हो आप इसको, तो इसे एक छोटा सा यहां पे लगा देंगे, ऐसे अपोस्ट्रोफ लगा देंगे, तो आपका बन जाएगा मिनट। ये मिनट को दिखाने का सिस्टम है, किसमें, सेक्साजेसिमल सिस्टम में। तो बच्चे एक डिग्री में सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। आगे सुन ले अगली बात, इसी सिस्टम में एक मिनट, देखो अब आप एक मिनट को ऐसे बता सकते हो, बिल्कुल इसी एक मिनट में, इसको एक मिनट बोल सकते हैं आप, बिल्कुल, अगर एक के ऊपर एक ही ऐसे लाइन, एक अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफ मतलब ऐसे किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे पॉइंट, ऐसे आपने कोई छोटी सी रेखा खींच दी, समझ गया? जी सर। तो एक मिनट, मिनट का सिंबल ये है, ठीक है। तो एक मिनट में बच्चे 60 सेकेंड्स होते हैं, सर ये तुम्हें बचपन से जानता, और इसको तू ये लिखेगा, दो दो ऐसे लाइन लगा देगा ऊपर छोटी छोटी, दो अपोस्ट्रोफ एक साथ लगा देगा, तो इसे कहेंगे क्या भाई, 60 सेकेंड्स। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम कहता है राइट एंगल को मैं मापूंगा 90 डिग्री के इक्विवेलेंट, और एक डिग्री को मापूंगा 60 मिनट के इक्विवेलेंट, और एक मिनट को मापूंगा 60 सेकंड के इक्विवेलेंट, यानी मेरे अंदर मेरे सिस्टम में भैया एक मिनट 60 सेकंड के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा, ठीक है, ओके। फिर आया भाई सेंटीसिमल सिस्टम, देखिए हालांकि इतना इस्तेमाल नहीं होता, इसने भी क्या किया, बोला मैं भी एक राइट एंगल को, लव ट्रायंगल, बिल्कुल, अल बनता है इसको लव ट्रायंगल भी कह सकते, ट्रायंगल में तो तीन चीजें होती हैं, तो क्या हुआ, दो ही होते हैं। हाँ देखिए भाई, है मजाक, देखिए एक राइट एंगल, ये बोला एक राइट एंगल में जो आपका एक राइट एंगल होगा उसके अंदर आपके 100 ग्रेड होंगे, कितने ग्रेड होंगे भाई, 100 ग्रेड, एक राइट एंगल इन्होंने इक्विवेलेंट माना भाई 100 ग्रेड के, और ग्रेड को हम लिखते हैं जी से 100 जी के इक्विवेलेंट, बोलो है कि नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक ग्रेड में इन्होंने बोले कि 100 मिनट होंगे, कितने मिनट होंगे, 100 मिनट्स, सेंटीसिमल सिस्टम में एक ग्रेड के अंदर 100 मिनट होंगे, ठीक है।
आगे सुनिए। और फिर बोले मतलब 100 मिनट्स, ठीक है भाई, इसके हिसाब से देखें तो मिनट को अगर ऐसे यूज करें तो ठीक है। और एक मिनट में फर्दर 100 सेकंड होंगे, ऐसे मापा किसने, सेंटीसिमल सिस्टम ने, ठीक है, कि एक राइट एंगल में 100 जी, एक जी में 100 मिनट, एक मिनट में 100 सेकंड, ठीक है। ये कहानी थी किसकी भाई, सेंटीसिमल सिस्टम की। किसको मापने की, कहीं पे भी एंगल मापना हो, किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइन कितने चक्कर काट, कितने एक दूसरे कितने चक्कर पे, आप ऐसे कह सकते हैं कितने एंगल पे, आप तो समझ गए एंगल का मतलब जी। हो गया भाई, दूसरा सिस्टम भी डन। तीसरा सिस्टम सर्कुलर सिस्टम भाई, जिसमें हम सारी चीजें मापते हैं। कि देखिएगा, अगर आपने यहां से सोच लो ये वाला पॉइंट, ये आपका सेंटर है और यहां से आप शुरू करते हैं, थोड़े समय बाद यहां चले जाते हैं, तो एक आर्क कवर होती है, ठीक है। इन दोनों को सेंटर से मिलाएंगे तो ये एक एंगल कवर करेगी थीटा, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर आप पूरा घुमाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, जिसे सर्कुलर सिस्टम बोल दिया। इसी सर्कुलर सिस्टम में जो थीटा है, इसको रेडियन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है बच्चे, रेडियन। और साथ ही साथ रेडियन के बच्चे, जब ये यहां से आपने पढ़ा हुआ यहां तक पहुंच जाए, तो हम कहते हैं इसने कवर कर लिया 180 डिग्री, यानी अब हम समझेंगे रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में और डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में। सुनता जा, यूनिट ठीक है इसकी, रेडियन है, ओके। फिर बोले अगर इसको हम आगे घुमाते हैं तो बन जाता है 180 डिग्री और, क्योंकि बोला इतना 180 डिग्री बोला हमने, तो ये भी 180 डिग्री। अगर मैं यहां से शुरू करूं यहां तक 180 डिग्री, फर्दर यहां से 180 डिग्री, 180 और 180 कितना हो गया 360। तो आप यहां से चले और अगर वापस यहीं पहुंच जाए तो आपने 360 डिग्री कवर कर लिया। कितना कवर किया बच्चे, 360 डिग्री, ठीक है। और 360 डिग्री को हम रेडियन में इक्विवेलेंट मापते हैं 2π रेडियन के। और बच्चे ये प्रैक्टिकल था, सुन कैसे, सुनता जाइयो। बोला हमने, बोला क्या, बोला कि एक सर्कुलर पाथवे आप चलते हैं, मान ली यहां से चले कुछ समय बाद यहां पहुंच गए यहां पे, ठीक। बोला अगर ये रेडियस आर और ये रेडियस आर और ये आर की वैल्यू भी रेडियस के जितनी हो, तो ध्यान देना भाई, बोला ये जो एंगल होता है ना थीटा, बोला किसकी थीटा की वैल्यू बराबर किसके होती है, थीटा होता है आर्क बाई में रेडियस के, ठीक। तो गौर से सुन, आर्क कितनी है भाई आर, तो रेडियस भी कितनी है आर, 1। बोला अब जो यूनिट आएगी ना, दैट इज 1 रेडियन, दैट इज इक्वल टू 1 आरएडी, ठीक है। और इस 1 रेडियन को हमने माना, ध्यान दीजिएगा, जब हमने इस 1 रेडियन को निकालने की कोशिश की और इस पूरे को हमने कितना मान रखा भी, 360 डिग्री, तो इस 1 रेडियन की वैल्यू में जो 360 डिग्री था बच्चे, वो हमारे पाई के मान 2π रेडियन के इक्विवेलेंट आ रहा था। 360 डिग्री किसके इक्विवेलेंट आया था, 2π रेडियन के। फिर से सुन ले, जहां से हमें 360 डिग्री को अगर मैं भाग कर दू 2 into π, पाई के वैल्यू 22.7, तो आंसर किस में आएगा, 1 क्या हो जाएगा भाई, रेडियन। अब भाई ये डिग्री है, इसको 2π से आप भाग करेंगे, तो ध्यान रखना 1 रेडियन में 2π से भाग करते ही कितनी डिग्री आएगा, बोला करीब करीब 57.27 डिग्री। भाग करके देख लो पाई के वैल्यू, आप 22/7 रख लो, तो आपको 1 रेडियन में डिग्री मिल जाएगा भाई। कितना होता है, कितना होता है बच्चे, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 1 रेडियन में होता है 57.27 डिग्री। समझा, बिल्कुल समझा। फिर से सुन ले एक बात और, अब ये सेंटीसिमल सिस्टम हमारे कोई काम करनी है, पहले तो ये लपेट लो, ले सुनता जा, ठीक है। इसी सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर सिस्टम में, बस यूनिट क्या है, प्लेन एंगल की रेडियन, ये बतानी थी। और सेक्सागेसिमल सिस्टम में 90 डिग्री इक्विवेलेंट होता है, राइट एंगल इक्विवेलेंट होता है 90 डिग्री के, 1 डिग्री होता है 60 मिनट के, 1 मिनट होता है 60 सेकंड के, ठीक है, यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। तो यहां से ओवरऑल हमारे पास क्या निकला, कि जब हमने मेजरमेंट किया तो 360 डिग्री की जो वैल्यू आ रही थी वो 2π रेडियन की इक्वल आ रही थी, ठीक है।
ठीक है। अब भाई मैं इसको 2π इंटू में 1 रेडियन लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 रेडियन की जगह मैं 2π इंटू में अगर 57.27 डिग्री करता हूँ तो वैल्यू 360 डिग्री आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1 रेडियन की वैल्यू मिल गई। और एक खास बात कि 360 डिग्री इक्विवेलेंट होता है किसके भाई, 2π रेडियन के, ये भी मिल गया, ठीक है। अब मैं कह दूं अगर 360 डिग्री आपका इक्विवेलेंट है किसके भैया, बराबर है 2π रेडियन के, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 2 से दोनों को भाग कर दें, करो भाई, ये बच गया कितना, पाई रेडियन को आर एडी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सिंपल। 360 को भी 2 से भाग कर दो, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन में बच्चे 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो 1 रेडियन में फिर से निकाल सकता है, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 बटे में क्या कर दूं पाई, समझ गया। तो यानी कि कहीं पे अगर तुझे पाई रेडियन दिख जाए तो तू 180 डिग्री लिख सकता है, कहीं पे 180 डिग्री दिख जाए तो तू पाई रेडियन लिख सकता है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना इसके, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके न्यूमेरिकल काफी आसान हो जाएंगे। आप सोचते हैं ना कि जो टॉपर्स लोग होते हैं वो कैसे आसानी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वही ट्रिक है, कंटिन्यू बना रहे हैं। तो 360 डिग्री में 2π रेडियन होते हैं, एक साथ समराइज भी करेंगे, और पाई रेडियन में 180 डिग्री, डन, ठीक है, समझ में आया क्या, ओके। तो ओवरऑल भाई हमारे सेक्सागेसिमल सिस्टम ने रेडियन सर्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर बनाया, ठीक है, ओके। थोड़ा और देख लो एक बार और बातें, हम आप लोगों को कह दूं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है। तो मुझे बताइए 1 डिग्री, क्या मैं इसको 1 डिग्री इंटू 180 लिख सकता हूँ, बिल्कुल डिग्री में, ठीक है, बराबर हो जाएगा पाई इंटू में रेडियन, ठीक है। तो आप 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी होगी 1 डिग्री की वैल्यू, पाई बाई में 180 डिग्री रेडियन, ठीक है सर, ओके। अब मुझे इस बात का पता है कि जो आपका 1 डिग्री है, अरे अरे हाँ, जो आपका 1 डिग्री है, ठीक है, ये बराबर है किसके भाई, 60 मिनट के। तो आप इसको 60 मिनट लिख सकते हैं, पाई इंटू में 180 डिग्री रेडियन में आंसर आएगा। यानी कि आप 1 डिग्री को अगर रेडियन में निकालेंगे, पाई, पाई का मान कितना होता है, 22 भाग में 7 या 3.14, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू रखेंगे, भाग करेंगे, तो बच्चे 1 डिग्री में इतना रेडियन आता है। 1 डिग्री बराबर होता है 1.745 × 10⁻²² रेडियन। तू कैलकुलेशन करके देख, विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ नया सीखेगा, ठीक है। अब 1 डिग्री बराबर है सेक्सागेसिमल सिस्टम में 60 मिनट के, ये मिनट का सिंबल, तो बता क्या मैं इसको 1 मिनट इंटू में 60 लिख सकता हूं, यस, फिर से 60 नीचे ले जाऊं, 60 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूं, बिल्कुल। इस 60 को नीचे ले जाऊं, पहले से 180 है और 60 आ गया आंसर रेडियन में। यानी कि पाई बाई 180 डिग्री, 180 की वैल्यू 1.745 × 10⁻²² रेडियन है। तो ध्यान रखना 1 मिनट में जो वैल्यू, अब 60 यहां चला गया नीचे, ठीक है, तो 1 मिनट में जब तू रेडियन की ये वैल्यू निकालेगा तो बच्चे वो बराबर आएगी 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन के। फिर तुझे पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आप तो इसकी जगह 60 सेकंड लिख सकते हो, जो बराबर है आपके किसके, 2. ये वैल्यू को मैंने हल करके लिख दिया, 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। फर्दर आप इसको 60 को 1 सेकेंड इंटू में 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे मैं जॉकिन करूँ कि नहीं कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे लेके जा, नंबर का काम करेगा बस ये, 60 गया नीचे, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन हो जाएंगे 60 से भाग कर, आंसर आएगा 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। तो भाग कर सकता है आसानी से, करके देख जरूर, कॉन्फिडेंस आएगा, तुझे अच्छा लगेगा, ओके। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले जरा, ओके, नो
सुनते जाइए। तो आपने क्या क्या निकाल दिया भाई, सबसे पहले आपने सिंपल कहानी, एक सर्कल में 360 डिग्री बनता है जो 2 पाई रेडियन के बराबर आता है, प्रैक्टिकल हमने ऐसा देखा है, ठीक है। अब ताकि हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और आसान हो सके तो हमने क्या देखा भाई कि जो आपका 360 डिग्री है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है, जो रेडियन है हमारे प्लेन एंगल की यूनिट है, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट है एसआई सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। तो हम अब फिजिक्स में भी घुस गए आराम से। अब इसको इक्विवेलेंट मानते हम चीजें निकाल सकते हैं कि अगर आपने पाई रेडियन में पूछ लिया तो 180 डिग्री होंगे, ये बात निकल गई, ठीक है। एक डिग्री में पूछ लिया तो आप कितने रेडियन होंगे, एक मिनट में पूछ लिया तो इतने रेडियन, एक सेकंड में पूछ लिया तो इतने रेडियन, ठीक है। आपको पता है CH4 मीथेन कितने डिग्री पे होता है एंगल, 109 मिनट, जल्दी से बता कितने सेकंड, कमेंट कर। मीथेन के जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें कितना एंगल होता है, कमेंट कीजिए बच्चे। ओके नाउ मिनट में आता ना साथ में, बता कितना मिनट होता है। अब भाई आप डिग्री, रेडियन, सेकंड, मिनट निकाल सकते हैं, यानी मैन सिस्टम है कौन सा बच्चे, सेक्साजेसिमल सिस्टम, लपेट दिया ये बिल, हो गया पता चल गया तुझे। ओवरऑल तेरे पास क्या रिजल्ट निकला ये बता। सर रिजल्ट ये निकला मेरे पास कि 360 डिग्री बराबर है 2, इतनी देर सर आप किस बात में लगा रहे थे, इसी में लगा रहा था बच्चे, तेरे लिए लगा रहा था, सुन क्या कि 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन के, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई रेडियन की। ये कैसे आया, इसको दो तरीके सुनना, तो 2 से भाग करे, ठीक है, यही तरीका नीचे गया, तो ऐसे कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे 2 पाई, ठीक है, इसको भी 2 से भाग किया तो इसको भी 2 से भाग कर दो, ऐसे ही समझ लो, ऐसे आसान हो जाएगी कैलकुलेशन आप लोगों की। अभी मैं न्यूमेरिकल दूंगा ना आपको, देखना उसके बाद, ठीक है। अब भाई देखिए आगे, पहले मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, फिर हम रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, प्रैक्टिकल जो हमारे आएंगे वो देखेंगे, और साथ में हमारे ऑप्टिक्स में कैसे इस्तेमाल होता है लैम्डा का भी इस्तेमाल करके इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई, हो गया इतना हमारा। तो भैया ये कहानी क्लियर है, 180 डिग्री में कितने रेडियन निकाल सकते हो, एक रेडियन में कितने डिग्री निकाल सकते हो, निकाला हमने अभी कितना, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर आया बता, 57.27 डिग्री के, पाई से भाग कर ले। एक डिग्री में कितने रेडियन आया ये बता सकता है, कितना आया, 1.745 × 10⁻²⁻² रेडियन, रेडियन का सिंबल आप RED इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये मेन कहानी थी। अब सुनना है कि कहाँ इसकी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है, फिर हम देखेंगे बच्चे कि कहाँ हम हमारी पूरी फिजिक्स में रेडियन को डिग्री, डिग्री को पाई में बदलते हैं। इंटरफेरेंस के अंदर जब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा ना +2 में आपके ऑप्टिक्स के अंदर, तब आपको पता चलेगा, वो चीज़ें हम अभी पता चलवा देते हैं, ठीक है। तो देखते जाइए हमारी इस वीडियो को, कंटिन्यू बने रहिए, कुछ नया सीखने को 101% मिलेगा, अरे 333 मिलेगा, डोंट वरी यार। हाँ तो पहला क्वेश्चन सुन, अब इससे पहले एक कहानी सुन, देख एक मेथड है पैरालैक्स मेथड, सुनना कहाँ इस्तेमाल होता है प्लेन एंगल का, इन पैरालैक्स मेथड। अब ये पैरालैक्स मेथड क्या है सुनता जा, देख सूरज निकला था बेटा, जो सूरज है वो अर्थ से कितनी दूर है, तू फित्ता लेके माप सकता है क्या, बोल, तेरी हाइट माप लेगा, दीवार छत की चौड़ाई माप लेगा, लंबाई माप लेगा, कमरे की ऊंचाई माप लेगा फित्ते से, पर सूर्य तक की डिस्टेंस माप सकता है क्या, नहीं ना, बोल नहीं सर मापो तो माप दूंगा, पर फित्ते से नहीं माप सकते ना, हाँ तो इस फित्ते को ही, ताकि हमें फित्ते का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, मीटर स्केल का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, हाथों को ऐसा 1 मीटर 2 मीटर नहीं करना पड़े, क्या करें, पैरालैक्स मेथड का इस्तेमाल करें। अब पैरालैक्स क्या होता है वो ये सुन, देख गौर से सुन सिखाता हूं तुझे, सुन तू किसी भी चीज को देख, जिसको भी देख रहे हैं, जैसे मेरे सामने है एक घड़ी, ठीक है, अब तू तेरी एक आंख बंद कर, तुझे घड़ी दिख रही है, ठीक है, दिख रही है कि नहीं दिख रही, ठीक, अब अपनी इस आंख को बंद कर, कर रखा था ना, इसको बंद कर रखा था, इसको खोल, इससे तू देख रहा है, ठीक है, अब दूसरी आंख को बंद कर, देख गौर से
क्या तुझे घड़ी थोड़ी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, क्या ऊपर नीचे हो रही है, क्या लाइट इस आंख से ऊपर, इस आंख से थोड़ी नीचे, इस आंख से ऊपर, इससे नीचे, इससे ऊपर, इससे नीचे दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही। तो देख, एक ही आंख है, दो आंखें हैं एक इंसान में, ठीक है, उसको देख। अगर तू इस आंख से देखता है थोड़ी पोजिशन इस तरह दिखती है, जैसे इससे देखता है तो पोजिशन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। बस इसी को कहते हैं पैरेलैक्स। मतलब सुनता जा, तेरे पास दो चीजें, तेरी ये दो आंखें, एक आंख ये और एक आंख ये, और ये इसके बीच की दूरी। तो एक ही चीज को देख रहा है, यहां से भी ये देखो, ये तो वहीं पे है, यहां से भी ये, समझ में आ रही है कहानी? तो क्या होता है, एक पैरेलैक्स बनता है। फिर सुन, तो दो आंखें यहां मान सकता है जो इसी एक पॉइंट को देख रहे हैं, तो यहां पे एक इंसान को समझ सकता है तू किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल सुन, मान ले यहां पे कोई गोल ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो तू यहां गड़ा गड़ा एक बार इसको देखता है, इस वाले टाइम इस पॉइंट को एक बार इसको दिखता है, ठीक। तो तेरा ये जो जो भी चीज है गोलाकार, उसका ये डायमीटर आ जाता है, समझ रहे हैं? ये डिस्टेंस आ जाती है, दो लाइनें मिल जाती है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल प्लेन एंगल थीटा मिल जाता है। और ये तुझे पता, सर्कल में ये अगर रेडियस है तो ये देख, ये डिस्टेंस, ये आर्क बन जाती है। यही कहानी है पैरेलैक्स की, कि तुझे यहां से तू देख रहा है किसी चीज को, एक बार वो यहां दिख रही है, एक बार वो यहां दिख रही है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है, आंखों से देखते ना, इतना इतने सा फर्क पड़ता है बेटा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक है। जब तू यहां से आंखों यहां पे देखेगा घड़ी की तरफ, तो घड़ी एक बार यहां एक बार तुझे यहां दिखेगी, एक आई से यहां दिखेगी, दूसरी आई से यहां दिखेगी, ठीक है, ठीक है। अगर ये तो मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया, थोड़ी सी दिखेगी, ठीक। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, इसे एनसीईआरटी में बोला गया है बेसिस, और तू आसानी से इसको मेजर कर सकता है विद द हेल्प दिस थीटा, अगर तेरे पास दो चीजें हैं तो। अगर तूने ये डायमीटर पता कर लिया, ठीक है, ये एंगल पता कर लिया, तो ये डिस्टेंस भी पता कर सकता है। कैसे, तेरे पास फॉर्मूला है ना, क्या क्या फॉर्मूला आता है, ये जो थीटा है वो इक्वल आता है किसके, आर्क बाई में रेडियस के। अब आर्क चाहिए तो रेडियस को थीटा से गुणा कर देना, रेडियस चाहिए तो थीटा आर्क को थीटा से भाग कर देना, आएगा कि नहीं? बिल्कुल। इसी के ये दो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो आसानी से मान लो ये अपनी अर्थ है और ये अपना सन है, आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, दो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग पोजीशन देख रहे हो, किस पे मून के डायमीटर देख पा रहे हो, जो मून दिख रहा है इस तरफ भी दिख रहा है इस तरफ, तो एक एंगल बन जाएगा इस बीच में, वो आ जाएगा, देखो आएगा कि नहीं, आप ऐसे देख लो, ठीक है, इस पोजीशन में आ गया वो, यहाँ पे क्या बन गया एंगल, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो यहां पे एंगल बन गया, यहां पे दो डायमीटर के अपोजिट आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला थीटा माप लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, बोला तो थीटा है ये दे रखा है 1°54', समझ पा रहे हो? थीटा कितना दे रखा है, 1°54'। तो लिखिए थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, आर्क बाई में रेडियस, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, 1°54', या तो मिनट में बदल ले या डिग्री में, फिर रेडियन में बदल देगा तो आसानी से। तो मैं क्या करूं, डिग्री, 1 डिग्री में कितने होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं, चुम्बन ये देखो कैसे बदलेंगे, ये और देख, जितने डिग्री दे रखे ना कुछ नहीं करना, 1 डिग्री में मिनट में बदलने तो 60 मिनट होते हैं, इसकी जगह 60 मिनट लिख दे, साथ में क्या है चुम्बन मिनट, ध्यान रखना ये ऐड हो जाएंगे, 60 डिग्री इसके चुम्बन, सॉरी 60 मिनट इस 1 डिग्री में और चुम्बन मिनट में, खुद मिनट है ही, तो ओवरऑल 60 डिग्री को बदल दिया, प्लस में तू मिनट जोड़ देना, ओवरऑल मिनट निकालने का तरीका कैसे, डिग्री दे रखे हैं, डिग्री में कितनी मिनट होती है 60 मिनट, प्लस अब जो ये 60 मिनट ये प्लस हो जाएंगे, ध्यान रखना, दिखाने का लिखने का तरीका ये रहेगा अपना, कि 1 मिनट 1 डिग्री 54 मिनट, तो कितनी हो जाएगी भाई, ओवरऑल 60 मिनट प्लस 54 मिनट कितनी हो गई, 60 × 6 = 114 मिनट, तो छिटा कितना हो गया, 114 मिनट। तुझे बता 1 मिनट में कितने रेडियन, 2.91 × 10 की पावर -4 लिख दे, 114 × में 2.91 × 10 की पावर -4 रेडियन, देख रेडियन में एक चीज तो आई तेरे, ठीक है। आर्क दे रखी है कितनी, आर्क दे रखी है भाई तुझे कितनी दे रखी है, आर्क
क्वेश्चन में दे रखी है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे क्या रेडियस, मतलब ये अगर ये मान लो अर्थ है और ये बेचारा मून है, देख लो हमने ठीक है बड़ा दिखा दिया यार समझने के लिए, यहां मून को देख रहे, छोटा सा मून, फिर से देख, छोटा सा मून बड़ी सी अर्थ, टक टक टक, या एक पॉइंट यहां से देख रहा हूं मैं अब इसको, दो डायमीटर को अपोजिट पॉइंट से, ठीक है, यहां पे मैं खड़ा हूं अर्थ पे, मैं ये एंगल थीटा, ठीक है, ये आपकी रेडियस। अब देख रेडियस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सीधी सीधी लाइन की देख, तो इसको सीधी लाइन समझ ले या ये समझ ले, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि हम यहां से माप रखे हैं, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं आ रहा। देख सुन फिर से, एक छोटी सी ये मून है अर्थ पे, यहां से देख रहे हैं दूरी बहुत ज्यादा है, तो हम ये दूरी और ये दूरी बराबर लेते हैं, किसके सीधी डिस्टेंस होती, तो इसके, समझ रहे हो? यस। तो ओवरऑल बड़े में समझे तो ये एंगल यहां पे जो एंगल बनेगा थीटा, ये वाला डायमीटर आर्क बन गई, ये वाली डिस्टेंस है जिसको आप सीधे ही माप सकते हो ऐसे, ये वाली डिस्टेंस माप लो सीधी सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो भाई अब देख साथ में क्या है, ये रेडियस, अगर मैं कह दूं ये आपकी अर्थ है और ये मून है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी, दूरी बिटवीन मून एंड अर्थ। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना। तो क्या करें, रेडियस निकालनी है, इसको नीचे ले जा, रेडियस को यहां ले आ, तो रेडियस बराबर हो गई किसके, 1.276 इंटू 10 की पावर 7 बाई में 114 इंटू में 2.91 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और आंसर आएगा किसमें, मीटर में है ना ये मीटर, कितना आएगा बच्चे सुन ले, जब तू सोल्व करेगा 384,000 किलोमीटर आएगा, जो कि दूरी है, इंटू में 10 की पावर 3 मीटर, मीटर बदलने की 384,000 किलोमीटर आंसर आएगा इसका, मून की दूरी कितनी होती है 384,000 किलोमीटर, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3.84 यहां पे लगा दी, 3 और 2 5 3 8 10 की पावर 8 मीटर, जो कि अर्थ से मून की दूरी है। तो पैरेलेक्स मेथड जिस प्लेन एंगल का इस्तेमाल करके आप दूरी बता सकते हैं अर्थ से मून की, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर आ गया, पर मैं यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, अगर आप इसको फिर से बता दे तो मजा आ जाएगा। देख ये अर्थ, इस पे ये खड़ा तू, छोटा सा है ना, बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये घूम रहा मून, तूने यहां से एक डायमीटर की देखो मून का खींचा ये वाला, दूसरे छोर से फिर मून को देखा यहां से, तो ये वाला बेसिस बन गया, ये वाली रेडियस बन गई, ठीक है, ये वाली आर्क बन गई, ये वाली रेडियस और ये वाला थीटा, ठीक है। अब थीटा आर्क और रेडियस का ये रिलेशन होता है जो प्लेन एंगल ने बता दिया, प्लेन एंगल का इस्तेमाल कर लिए हमने पैरेलेक्स मेथड लगाते हुए दूर दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस माप दी। और ध्यान रखना बच्चे, इस एंगल को कहते हैं पैरेलेक्स एंगल या पैरेलेक्टिक एंगल, दिस थीटा, यहां पर जब पैरेलेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं क्या भाई, पैरेलेक्स एंगल या पैरेलेक्टिक एंगल, ये एनसीईआरटी की बातें बच्चे ध्यान रखना, हो गया ठीक। अब ध्यान दे, ये तेरा एंगल है ना थीटा, अगला क्वेश्चन देख, इसी में लिख रखा मैंने, ये हो गया पहला क्वेश्चन, तो भाई आ गया दूसरा क्वेश्चन देख, ये क्या कह रहा है, बोला एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, बोला आपने अर्थ से सन को देखा, देखा और बोला ये जो डायमीटर एंगल के हिसाब से मापा, ये एंगल और ये डायमीटर, तो जब आपने ये डायमीटर इस एंगल के हिसाब से मापा, तो ये एंगुलर डायमीटर, ये एंगुलर, ये डायमीटर इस एंगल के हिसाब से कितना आया, ये जो एंगल है ये कितना आया, आपको बोला इसने एंगुलर डायमीटर, डायमीटर को एंगल से मापा, तो वैल्यू किसकी मापी जाएगी, एंगल की, कितनी बोले भाई इसने 1920 है ना सेकंड, एक सेकंड में इतने रेडियन रख देना, क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है मैं सीधा मल्टीप्लाई करके दिखा, किससे भाई 4.85 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रेडियन में आ गया उत्तर, तो तेरा थीटा आ गया क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। बोला सन की डिस्टेंस अर्थ से, बोला ये डिस्टेंस दे रखी है कितनी दे रखी है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर दे रखी है बच्चे, क्या पूछा हमसे, ये दे दिया और ये दे दिया, आर्क पूछ ली, डायमीटर सन का उत्तर दे दिया भाई मैंने, सॉरी सन की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है इतनी होती 15 करोड़ किलोमीटर,
1.496 इंटू 10 की वैल्यू 11 करें तो क्या 15 करोड़ किलोमीटर आ जाती है करोड़ में, ठीक है। और तेरा ये क्वेश्चन है, बताए एक करोड़ में कितने जीरो होते हैं, एक करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ठीक है। एक बिलियन में कितने जीरो होते हैं और एक मिलियन में कितने जीरो होते हैं, जल्दी से कमेंट कर। गुड, तो बेटा डायमीटर कितना आएगा, तो वैल्यू रख देगा 1.39 टन के पर 9 मीटर। सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो नहीं समझ आया तो देख बेटा, थीटा इसने एंगुलर डायमीटर बोला तो तू समझ ले, एंगल दे रखा है तो फालतू दिमाग नहीं लगा। देख डायमीटर को एंगल से नापा, ये मतलब है इसका एंगुलर डायमीटर का, समझ गया या? तो एंगल दे रखा था फॉर्मूला ना, थीटा इज इक्वल आर्क बाय रेडियस। फिर इसने डिस्टेंस दे दी, फिर डिस्टेंस किस में आती है, रेडियस में आती है। आपने इतनी बार समझा दिया सर, अब तो मैं समझ चुका हूं। तो क्या करेंगे, थीटा सर थीटा की वैल्यू मैंने रेडियन में ली, बोला क्या किया 1920 इंटू में कितना कितना है भाई 4.85 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रेडियन में आ गया, ठीक है। और सर मुझे तो क्या निकालनी है आर्क, तो रेडियस को गुणाई कर दूं, गुणा कर दे इसको किससे, दूरी 4.1496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, तो अपने आप डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर ऑप्शन क्या आएगा उत्तर भाई, एक रेडियन 57.27 डिग्री के बराबर होता है, तो हमने देख लिया, ठीक है। अब पहले हम रेडियन किसे कन्वर्जन देखेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलना, फिर रेडियन को डिग्री में बदलना, और फिर ऑप्टिक्स में इसका इस्तेमाल, ठीक है। चलिए भाई फोटो लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन बनाता हूँ। चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, प्लेन एंगल में डिग्री को रेडियन में बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में। तो आपको पहले इन 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, देखिए कैसे चेंज करते हैं भाई। सबसे पहले हमें पता, हमने जस्ट पहले इस वीडियो में क्या पढ़ लिया भाई, कि जो 360 डिग्री होता है वो बराबर है 2π रेडियन के, ठीक है। और अगर मैं इस तरफ 2 से भाग कर दूं, इसको भी 2 से भाग कर दूं, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तरीका देख, मैं जो अप्लाई कर रहा हूं दोनों को 2-2 से भाग कर दिया, तो ये आ गया पाई रेडियन के। अब फिर कहानी सुन ले एक और, 180 डिग्री को तू 180 इंटू में 1 डिग्री लिख सकता है, पाई रेडियन को तू पाई इंटू में 1 रेडियन लिख सकता है। आसान तरीका किसी भी चीज को सोल्व करने का, अगर ये आता है तो सब आता है भैया। चलिए तो 360 डिग्री को रेडियन में बदलिए भैया, कितना रेडियन 2π रेडियन, ठीक है। कितना 2π, यूनिट क्या आएगी पीछे, RAD रेडियन लगाएगा, ठीक। 180 डिग्री को आ गया कितना पाई रेडियन, ठीक है। यहां पे देख ले कहीं ना कहीं 2π रेडियन कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन है क्या कहीं, हाँ पाई रेडियन कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है बच्चे। तो इसकी प्रैक्टिस कर, तो चाहे 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, IIT जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, नॉन मेडिकल से है या मेडिकल से, सबके लिए ये बेसिक वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस तो कर, भूलेगा नहीं कभी, मार नहीं खाएगा। एक जल्दबाजी मत करना, जितने आराम से मैं करवा रहा हूँ उतने आराम से तू कर। गौर से देख, देख मैं दिखा रहा हूँ, पसीना देख, गिल्ली हो गई है पसीने में टी शर्ट, समझ रहा है सिग्निफिकेंट। देखिए मेहनत प्रकृति में बहुत मैटर करती है, ठीक है। सोच के देख लेना कि कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा पसीने की कमाई है, ठीक। आगे देख, अरे 333 डिग्री का बदलिए भैया, तो इसके लिए क्या करें, रेडियन बदलना ना, क्यों मैं ऐसे कर लूँ, क्या मैं 333 को 333 इंटू में 1 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, यस। क्यों मैं 333 को 333 में 1 डिग्री को, और से देख इस 1 डिग्री को यहाँ रख लूँ, है यस, तो पाई बाई 180 लिख सकता हूँ क्या, रेडियन। उत्तर कौन निकाल लेंगे आप, ठीक है, 1 डिग्री में, अभी अभी किया था 1.7 के परमाणु स्टोरी डीन था ना कुछ वही। अब इसको आप सोल्व कर देना, उत्तर कमेंट कर दियो, ठीक है, करते हैं सर। 0 डिग्री तो 0 रेडियन, हो गया आगे। 1 डिग्री में, 1 डिग्री में सुन ले, पाई बटा 180 रेडियन, बिल्कुल ऐसा। अब पाई में रख रहा हूँ वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है, पाई बटा 180 रेडियन आ जाएगा। 15 डिग्री में कहानी भाई,
15 इंटू में एक डिग्री में कितना होता है पाई बटा 180 रेडियन, पक गया है। एक को सुन कहानी दे, कोर्स सुन, कोर्स सुन, कोर्स सुन, क्या देख डिग्री को किसमें बदलना है रेडियन में। अब तुझे पता है पाई कोण किसमें आता है रेडियन में, तो तू ऊपर रेडियन ले, और पाई के इक्विवेलेंट रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री, चेयर 180 ले, आसान तरीका हल कर दे, 15 12 होते हैं 180, तो कितना आ गया पाई बाई 12 रेडियन। ठीक है 15 के 15 3 15 30, ठीक है आ गया आंसर। अब देख 30 डिग्री बदलना है, अरे सीधी कहानी भैया, एक डिग्री की कहानी है ना, एक डिग्री किसके बराबर आ रहा है पाई बटा 180 के, तो पहुंचना रे पहुंच इसके पास, 30 डिग्री को बदल जल्दी से, कुछ नहीं करना मेरे पास, तो रेडियन बदलना तो पाई बटा 180 कर दूंगा, डिग्री बदलना तो 180 बटे पाई कर दूंगा, कि ऊपर जो लाना है वही, ठीक है कर 3 6 18 तो पाई बाई 6 रेडियन रे। देख उनमें से कोई पाई बाई 6 रेडियन है क्या, तरीका दे, अरे है ना ये रहा, तो पाई बाई 6 रेडियन डिग्री में बदलना है रे, पाई बाई 6 डिग्री बदलने के लिए क्या कर 180 डिग्री बटा पाई कर दे, बस रेडियन ना तो पाई बटा 180 कर दे, बड़ा आसान। डिग्री को कहानी किसकी है, एक डिग्री की, एक रेडियन की है, तो यहां से एक रेडियन की वैल्यू निकाल, 180 बटा पाई अपने आप हो रहा है कि नहीं, कितना आसान हो गया। अब हुआ है आसान, कोई सोचो मुझे तो पहले ही हुआ, तो पाई से पाई 36 आ गया ना 30 डिग्री, ठीक है आगे आ जा 45 डिग्री, कुछ नहीं करना 45 इंटू में रेडियन बदलना है पाई बटा 180 सर, 45 दूनी 90 चौका, अरे मतलब 45 चौका 180, ठीक है तो क्या आ गया पाई बाई 4 रेडियन यूनिट है, पाई बाई 4 कोई दिख रहा है क्या रे, नहीं दिख रहा, कुछ बना ले, कुछ बना ले 21वां पाई बाई, तो समझ ले यार पाई बाई 4 रेडियन में कितने डिग्री होगा 45 डिग्री, ठीक है हाँ 60 डिग्री में बता, कुछ नहीं 60 इंटू पाई बाई 180 करूंगा, तो 60 बट 3 कितना आ गया पाई बाई 3 रेडियन, बोल आया दी, पाई बाई 3 है क्या कोई, है ना ये रहा, तो क्या करूंगा इसमें पाई बाई 3 को डिग्री में बदलूंगा सर, तो 180 ऊपर करूंगा सर, नीचे पाई, पाई से पाई 3 पे 6 60 डिग्री आ गया। देख कितना आसान है रे, 90 डिग्री को बदल, 90 गुणा में पाई बटा 180 दूनी, तो पाई बाई 2 रेडियन, सिंपल, तो 90 डिग्री में पाई बाई 2 रेडियन, तो यहाँ पाई बाई 2 है क्या कहीं, नहीं है, तो समझ ले पाई बाई 2 रेडियन में 90 डिग्री। अब देख इसको बदल, क्या करना है 2 पाई बाई 3, कुछ नहीं करना 180 डिग्री में, तो डिग्री में 180 ऊपर नीचे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 पे 60 कितना आ गया 120 डिग्री, तो ये 2 पाई बाई 3 रेडियन किसके इक्विवेलेंट है 120 डिग्री के। अब सुन आसान तरीका, तू पाई को इक्विवेलेंट मान ना 180 के, 2 बाई 3 है पाई किसके, तो 180 डिग्री दर दे बस खत्म कहानी, 3 पे कितना आ गया 60, 120 डिग्री उत्तर आ गया, पाई किसके 180 दर दे बस, और आसान हो गया, यानी पाई इक्विवेलेंट है सीधी सी कहानी 180 के, डिग्री में उत्तर आएगा ये, तुम्हें देखिए पाई रेडियन ये 180 रख पाई की जगह, यहां दिखा देता हूं 6 पे 3 3 5 15 150 डिग्री आ गया, यानी 150 डिग्री 5 पाई बाई 6 होता है बच्चे, ठीक है तो 150 डिग्री को रेडियन में बदलेगा, तो क्या करेगा 150 इंटू में पाई बटे 180, 0 से 0 5 पे 3 पे 5 और 3 पे 6 तो 5 पाई बाई 6 रेडियन आ गया, ठीक है 4 पाई, पाई की जगह 180 रख, फिर से यहां कर देते हैं, तो 4 पाई बाई में 3 पाई की जगह 180 रख दिया, 60 6 चौका 24 240 डिग्री, ठीक है आगे देख 3 पाई बाई 4 को रख पाई की जगह 180 रख, 3 इंटू में बाई में 4 इंटू में 180 करेगा कितना आ गया 45, 3 पे 45 90 135 डिग्री, ठीक है अगला 2 पाई रेडियन 360 डिग्री 3 रेडियन,
अब ध्यान दे, एक रेडियन को पाई से भाग करेगा 180 से, 57.27 अभी किया था ना, तो एक रेडियन कितना था 57.27, और 3 में 57.27 इंटू में 27 डिग्री कर 3 से गुणा, 3 पे 3 सत्ता 21, 3 7 जा 21 2 और 3 दुनी 6 2 8 27 81 ठीक है, 3 सत्ता 21 2 3 5 15 2 17, तीन रेडियन में 171.81 डिग्री होने ही थे, मुझे पता है 3 पाई के वैल्यू 3.14 होती है, इसमें 180 डिग्री होता है बच्चे, तो दी तो 3 से थोड़ा कम है ना, 3.14 3 से थोड़ा ज्यादा है, 3 में अगर 171.81 डिग्री है तो 3.14 में 180 डिग्री हो जाएंगे। कैसी लगी जल्दी बता, कैसी लगी? बिल्कुल, क्या रह गया? एक रेडियन। तो बच्चे एक रेडियन में सीधी सी कहानी क्या करना है, 180 डिग्री बाई पाई, जिसकी वैल्यू निकाल ली थी तुमने, तो ये थी कहानी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले फिर आगे देख। देखिए भाई आगे एप्लीकेशन देखिए क्या पूछते हैं प्लेन एंगल को लेके। देखिए आपसे बोल देते हैं एक रिवोल्यूशन, रोटेशनल मोशन में बोल देंगे एक रिवोल्यूशन, तो आपसे थीटा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पूछ लेते हैं भाई, ओमेगा पूछ लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जहां इसका इस्तेमाल होता है। जब आप रोटेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी होती है ना, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस at, रोटेशन आपके लीनियर मोशन ट्रांसलेशनल मोशन में होती है, वहां पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा t होता है। ऐसे ही s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नोट t प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी का स्केयर, ये होती है ना इक्वेशन। रोटेशनल मोशन में थीटा, वैसे ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बताते हैं। तो यहां पे भाई वन रिवोल्यूशन हुआ है, इसका मतलब है बच्चे एक चक्कर काटा, मतलब 2π रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की है, मतलब एंगल कितना कवर किया है 360 डिग्री। अभी कन्वर्जन करके आया है 2π रेडियन बराबर, पूरा सर्कल काटा है सेम, मतलब एक राउंड का मतलब पूरा सर्कल, अगेन 2π रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कोर की रेडियन में, डिग्री में 360 डिग्री। एक रोटेशन पूरा एक चक्कर, अगेन सेम कहानी 2π रेडियन और 360 डिग्री। कंफ्यूज करने के लिए क्या किया आपकी बार, पता क्या दे दिया, मतलब 2π रिवोल्यूशन ले। अब बहुत सारे तो भाई थीटा 2π के इक्वल छोड़ा है, पर गौर से सुन बेटा इसने क्या कहा है, बोला एक रिवोल्यूशन में 2π रेडियन, इसने बोला 2π रिवोल्यूशन मतलब 2π इंटू में 1 रिवोल्यूशन, यही सिग्निफिकेंस रखता है। तो 2π इंटू में 2π रेडियन, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2π रेडियन होते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी बता, थीटा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर की पूछ ले तो कितनी, 4π स्क्वायर रेडियन। तो उस क्वेश्चन में ये आंसर था, 4π स्क्वायर रेडियन डिस्प्लेसमेंट आएगी, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तब बताएंगे तब आप, ठीक है। तो ये कहानी थी भाई कुछ, लैम्डा का रोल और देखो क्या है इसी में, जो आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो कितने डिग्रीज पे दो वेव सुपरइंपोज करते हैं इंटरफेरेंस होता है, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा, ठीक है। कब आपका कंस्ट्रक्टिव होता है कब डिस्ट्रक्टिव होता है बता देते हैं। फिर लैम्डा का चक्कर कि पाथ डिफरेंस इतना है, फेज डिफरेंस इतना होगा, फेज डिफरेंस इतना है तो पाथ डिफरेंस इतना होगा, आपसे इंटेंसिटी पूछते हैं ऑप्टिक्स में, तो सुन कैसे बताएगा, ध्यान दे, एक लैम्डा एक वेवलेंथ बच्चे, अगर तू दो वे एक वेव बना रहा तो ऐसे होती है, ध्यान रखना यहां से लेके यहां तक एक लैम्डा एक वेवलेंथ जो 1 लैम्डा बनती है, और एक लैम्डा ये और ये पूरा, ये 180 डिग्री 180 डिग्री, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट होता है बच्चे किसके, 2π के, याद रखना, और 2π इक्विवेलेंट होता है किसके, 360 डिग्री के, सीधी सीधी कहानी। तो एक लैम्डा में 360 डिग्री, सिंपल सी बात है। कोई कहते पाथ डिफरेंस लैम्डा, देखो ये वेवलेंथ में हम पाथ डिफरेंस आता है, कोई कहते पाथ डिफरेंस, ध्यान रखना डेल्टा लैम्डा चेंज इन पाथ बाई में लैम्डा बराबर होगा चेंज इन थीटा बाई में 2π, बराबर होगा चेंज इन टाइम बाई में टोटल टाइम। बोले ये क्या चक्कर, बोले अगर टाइम पीरियड में बोल देना चेंज इन टाइम तो बाई में टोटल टाइम, एक टाइम पीरियड
एक वेव को, एक वेव पीरियड का एक वेव पीरियड, सॉरी एक वेव में कितना समय लगता है बनने में, ठीक है। और ये डेल्टा टी बाई टी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम का कैसा था ना, सिंपल पेंडुलम, तब कितना टाइम चेंज इन टाइम बाई में टोटल टाइम पीरियड लेते हैं, आपका ऑप्टिक्स में केवल ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब कोई कहते पाथ डिफरेंस है आपका पाई बाई थ्री रेडियन, तो बता थीटा कितना होगा। अगर सीधी सी बात है भाई, चेंज इन, अगर पाथ डिफरेंस बराबर है तो चेंज इन एंगल कितना होगा, एंगल में कितना डिफरेंस होगा भाई, निकालने का तरीका, डेल्टा चेंज इन पाथ बाई में लेमडा, चेंज इन एंगल बाई में टू पाई, बराबर होंगे। तो क्या करना है, पाई बाई थ्री रेडियन अगर पाथ डिफरेंस है बच्चे, डिग्री में निकाल दे, क्या करना है, सीधा तरीका, इससे जाएगा डेल्टा पाई निकालो, इसको टू पाई करेगा लेमडा, क्या करना है, लेमडा की वैल्यू तो आ गई, चेंज इन पाथ दे दिया, अगर उसने पाई बाई थ्री रेडियन है तो क्या करेगा, चेंज इन थीटा निकाल, कुछ नहीं करना, इसी को बदल दे रेडियन में, पाई की जगह क्या कर दे 180 डिग्री, तो कितना हो गया 60 डिग्री, थीटा में वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, लैम्डा किसके इक्विवेलेंट है 2 पाई के, तो चेंज इन लैम्डा बोला ये कितना दे दिया आपको पाई बाई थ्री, तुझे पता है लैम्डा की वैल्यू कितनी किसके बराबर आई है 2 पाई के, तो पाई से पाई कैंसिल, निकालना है 2 से 2 कैंसिल, पाई हाथ लग गया। फिर सुन मैंने क्या लिखा था यहां पे देख एक बार, और मैं बोला कहीं पे अगर तुझे चेंज इन लैम्डा, चेंज इन पाथ निकालना, तो चेंज इन पाथ बाई में लैम्डा कर देना, चेंज इन थीटा निकालना हो तो बाई में 2 पाई कर देना, और चेंज इन टाइम निकालना हो बाई में टाइम पीरियड कर देना, आसानी से अच्छे तरीके से कर सकता है। इनमें तीन चीजें चेंज इन पाथ दिया मिलेगा, ये निकाल लेना, ये पूछना, ये दिया मिले तो ये निकाल लेना। कैसे, तुझे पता है मैक्सिमम डेंसिटी का फॉर्मूला, आई मैक्सिमम डेंसिटी का फॉर्मूला अगर थीटा दे रखा तो होता है भाई क्या, सॉरी किसी भी थीटा पे, एनी थीटा पे पार्ट क्या इंटर मैक्सिमम डेंसिटी निकाले तो फॉर्मूला आता है क्या, आई मैक्सिमम इंटू में कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, समझ में आ रही है, यस। तुझे पार्ट डिफरेंस देंगे, मान लो मैंने पार्ट डिफरेंस दे दिया पाई बाई थ्री है, पाई बाई सिक्स है, तो बता मैक्सिमम, आई नोट अगर दो वेव इंटरफेरेंस कर रही है और दोनों के बीच पांच का डिफरेंस पाई बाई सिक्स है, तो कुछ नहीं करना, पाई की वैल्यू सीधी रख देना 180 डिग्री में, तो पाई बाई सिक्स पार्ट डिफरेंस है, तो कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई की 180 रख, सिक्स बहुत आसान हो गया, कुछ नहीं करना, कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री यहां रख, कितना आ गया 15 डिग्री, तो कोस के 15 डिग्री, आई मैक्सिमम कोस 15 की वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी, वैल्यू रख देना फिनिश। ऐसे ही अगर ये पाई बाई थ्री होता, सुन ले यहां से भी निकाल सकते हैं, अगर पाई बाई थ्री होता तो क्या करता, बोला पाई थ्री होता इसकी जगह कितना आता 180, ये वैल्यू कितनी आती 60, अगर ये वैल्यू 60 यहां पे रखता वैल्यू थीटा बाई में कितनी होती 2, तो 60 बाई में 2 कितना हो गया 30, तो कोस के 30, कोस 30 कितना होता है रूट 3 बाई 2, 3 बाई 4 हो गया, तो आई मैक्सिमम बाई में कितनी हो जाएगा, आंसर कितना जाता आई मैक्सिमम बाई में 3, आई मैक्सिमम बाई 4। तो आप आसानी से, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, आराम से एक बार और देख ले, देख गौर से देख, आराम से देख, फिर मैं इस वीडियो को समराइज करूंगा और सबसे पहले आपको वही बताऊंगा, ठीक है। देख अगर तुझे मैक्सिमम किसी भी थीटा पे इंटेंसिटी बतानी हो ना, किसी भी थीटा पे इंटेंसिटी बतानी हो, इंटेंसिटी एट एनी पाथ डिफरेंस पे, किसी भी दो वेव के बीच पाथ डिफरेंस है, दो वेव आके सुपर इम्पोज हो रही है, उनके बीच फेज डिफरेंस बता दे या पाथ डिफरेंस बता दे, तो किसी पार्टिकुलर थीटा पे आपकी इंटेंसिटी निकालनी हो तो आई मैक्सिमम इनटू में कोस स्क्वायर थीटा बाई में टू, जहां पे थीटा एक्चुअल चेंज इन एंगल होता है, ये फॉर्मूला है। अब मैं कह दूं दो वेव इंटरफेरेंस कर रही है और पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई थ्री, ठीक है, कितना पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई थ्री, तो बताओ उस पॉइंट पे जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई थ्री है इंटेंसिटी कितनी होगी, सीधा तरीका, आई मैक्सिमम आपको दिया मिलेगा, आई मैक्सिमम कितना है इनटू में कोस के डेल्टा फाई, अब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई थ्री है तो लैम्डा की वैल्यू रख दे कितनी होती है 2 पाई, कितना आ गया 2 पाई 3, थीटा पाथ डिफरेंस कितना है 2 पाई, तो पाई स्क्वायर 2 पाई बाई में 3, 2 है ही, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई बाई 3 कितना होता है कोस, कोस 60 हो गया, पाई की वैल्यू 180 रख, कितना 60 कोस 60, तो क्या आ गया आई मैक्सिमम यहां पे कोस स्क्वायर, फिर से देख ले
पावर डिफरेंस कितना था लैम्डा बाई थ्री, कुछ नहीं लैम्डा इक्विवेलेंट है किसके, टू पाई के, टू पाई बाई थ्री आ गया हमारे पास फेज डिफरेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख दिया टू पाई बाई थ्री, टू पहले से ही फॉर्मूले में था, टू से टू कैंसिल तो पाई बाई थ्री आ गया। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री रखी तो कितना आ गया 60, तो क्या है आई मैक्सिमम टू में कोस केयर 60 डिग्री। अब तुझे इस बात का पता है अकेला इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कोस पूरे की पावर स्केयर में, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो आई मैक्सिमम कितना हो गया 1/2 का स्केयर, दैट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम आई में 4। तो इस तरीके से इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो ये था भाई आपके प्लेन एंगल का ओवरऑल हमारी फिजिक्स में इस्तेमाल, और कहीं पे आपका चेंजअप इससे बाहर कुछ नहीं आएगा प्लेन एंगल में, फिनिश। अब हम इसके बाद भाई हमारी बेसिक वीडियो जो अगली होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे देखेंगे। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक वीडियो में डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमारी फिजिक्स की बेसिक्स की दो वीडियोस में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा वो पैटर्न बता रखा था, उसके बाद हमने ग्राफ की वीडियो बना रखी है, उसके बाद हमने क्या कर किया है ये वाली बेसिक वीडियो बनाई है। तो गाइज आप लोगों का फिजिक्स में बेसिक बिल्कुल एक पॉइंट में छोड़ूंगा जो पूरी फिजिक्स में कहीं पूछा गया हो। ठीक है, एक भी आपको ऐसा पॉइंट या क्वेश्चंस भी नहीं मिलेगा जो आपको उसका बेसिक पैटर्न नहीं पता चले फिजिक्स में। बस ये है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जो भी वीडियो बने उसको पूरा देखिए। ठीक है, वही आपके दिमाग को सेट करेगी और अच्छे से सिनेप्स बनाएगी। तो गाइज होप सो आपको ये चीज पसंद आई है। ओहो पसंद तो गया, आपको ये समझ आई है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी प्रमोट कीजिए, भी एक प्रकार से फैलाइए और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल। ओके, कम से कम 3 सब्सक्राइबर्स देने का तो आपका हक बनता है, बहुत मेहनत कर रखी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए।